नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के रक्षा क्षेत्र से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगा। दरअसल बात ये है कि भारत ने चीन के बॉर्डर में उत्तरी क्षेत्र में एक ऐसी डिवाइस लगाई है, मतलब एक एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिया है वहाँ पर। वो भी एक नहीं, 7 उसकी नंबर्स हैं, जिसको लेजर सिस्टम बोलते हैं। इसका काम होता है कि जो भी ड्रोन से अटैक होता है उस ड्रोन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना। और ये जो लेज़र की जो मिसाइल्स हैं, लेजर सिस्टम है, ये बेसिकली वर्क करता है दो तरीके से। एक ये जैमिंग करता है, जिसको बोलते हैं सॉफ्ट किलिंग, और एक करता है हार्ड किलिंग। सॉफ्ट किलिंग जो करेगा, ये 5 से 8 किलोमीटर की रेंज में करता है कि अगर कोई ड्रोन आ रहा है 5 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये लेज़र का जो सिस्टम है, ये उस ड्रोन को, उसके जो सॉफ्टवेयर होंगे, जो उसकी मशीन होगी, उसको जैम कर देगा, जैमिंग कर देगा उसकी, तो जिससे वो अपना वर्क नहीं कर पाएगा। लेकिन दुश्मन देश का वो, अगर सॉफ्टवेयर उनका और अच्छा हुआ तो वो जैमिंग में नहीं फंसेगा, तो ये जो ड्रोन होगा वो भी और आगे बढ़ाएगा। तो फिर उसको करनी पड़ेगी हार्ड किलिंग। हार्ड किलिंग करने के लिए ये 800 मीटर तक पास में आ जाएगा जब ड्रोन, तो ये अपनी लेज़र जो लाइट होती है, ये उससे वार करेगा उस पर, और ड्रोन के टुकड़े टुकड़े कर देगा, ये उसके परखच्चे उड़ा देगा। ये ऐसा सिस्टम है, ये भारत का ही इंडिजीनियस बना हुआ प्रोग्राम है। इसका मतलब पूरी तरह से भारत की जो DRDO है, उसने इसको डेवलप किया है पूरी तरह से। इसमें बाहर से कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं ली गई है, और इसमें पूरा जो पैसा भी लगाया गया है, ये भारत सरकार के द्वारा ही इसमें पैसा लगाया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि ये जो 5 से 8 किलोमीटर की रेंज है, ये बहुत ही ज़्यादा होती है रेंज। ये ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने के लिए इतनी रेंज बहुत है, मोर देन सफिशिएंट होती है। अभी करीब 10 दिन पहले ऐसे UK ने एक ड्रोन लेज़र हथियार को डेवलप किया था, उसकी भी रेंज करीब 5 किलोमीटर के आसपास थी। लेकिन ये जो भारतीय जो इंडिजीनियस लेज़र सिस्टम है, इसकी रेंज 8 किलोमीटर तक है, तो ये उससे भी ज़्यादा एडवांस है। अब दोस्तों, इससे ये है कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। हालांकि अभी इसका नाम घोषित नहीं किया गया है कि ये इसका नाम क्या है। इसे अभी तो IDD & IS बोल रहे हैं, लेकिन इसका नाम नहीं है। हो सकता है कि ये Durga-2 जो पहले DRDO बोल रहा था, ये वही हो, क्योंकि इसके स्पेसिफिकेशन जो हैं वो Durga-2 से ही मैच कर रहे हैं काफ़ी हद तक। लेकिन अभी इसका ऑफिशियली कोई नाम नहीं आया, तो अभी इस पर कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। दोस्तों, बस इतना कह सकता हूँ कि ड्रोन किसी भी युद्ध का उसको रुख उसका बदल देता है ड्रोन। तो अगर आपको ड्रोन मारना आ गया, तो आप ये समझ लीजिए कि सामने वाला जो होता है अपना दुश्मन, वो अपने आप उसके हौसले पस्त हो जाते हैं। रूस का उदाहरण हमारे सामने है, आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध भी हमारे सामने है। आर्मेनिया पहले युद्ध में बहुत आगे था, अजरबैजान कहीं नहीं दिख रहा था। लेकिन जब अजरबैजान को तुर्की ने अपने ड्रोन दिए, और उसने अपने ड्रोन से जब हमले स्टार्ट कर दिए आर्मेनिया के ऊपर, तो आर्मेनिया उसके वार को सह नहीं पाया और वो युद्ध को हार गया। ये भी 2 साल पहले ये युद्ध हुआ था, और अजरबैजान ने आर्मेनिया की बहुत सारी ज़मीन को कब्जा लिया है। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रोन की वजह से हुआ है, जो पूरा युद्ध ही बदल गया। आर्मेनिया जीतने वाला था, बहुत आगे था, एडवांस कर रहा था, लेकिन ड्रोन ने ही पूरी बाजी को पलट दिया और आर्मेनिया हार गया, अजरबैजान जीत गया। तो इसलिए हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास ड्रोन की टेक्नोलॉजी नहीं है। चाइना के पास ड्रोन्स हैं, बहुत अच्छे ड्रोन हैं। पाकिस्तान के पास भी ड्रोन मिल चुके हैं उसको तुर्की से, लेकिन हमारे पास ड्रोन नहीं है, तो हम ड्रोन की लड़ाई करेंगे कैसे? तो हमारे पास भी ड्रोन मारने के लिए तो कुछ होना चाहिए। तो वो अच्छी बात है कि हमने डेवलप कर लिया है, और उससे सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमने किसी और से टेक्नोलॉजी लेके डेवलप नहीं किया, वो हमारी ही टेक्नोलॉजी है। तो इससे हम उसका मास लेवल पे प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, और कल को हम इसको एक्सपोर्ट भी करना चाहें तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी इसकी एक्सपोर्ट की लोग ऐसी कोई तैयारी नहीं है, लेकिन ये भविष्य की बात है कि ऐसा हो सकता है। दोस्तों, इससे जुड़ी हुई और भी जो डेवलपमेंट आती रहेगी, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।